कंडीशन को है। थोड़ा वेट करते हैं अभी और लोगों के आने के लिए। हाँ तो आप अपने डाउट बताइए, आपको कोई भी डाउट है तो 1 से लेके 8 डी के बीच में जो भी कोई क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? अच्छा, पहले हैंड रेज कीजिए कंसिस्टेंटली जिन्होंने सारे सॉल्व किए अभी तक क्वेश्चन 1 से लेके डे 8 तक। ओके जितिन रावत, नो इश्यूज, आप बिगनर हो। ओके जतिन, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? अनम्यूट करके बताइए। सर मैंने अभी स्टार्ट करा था तो 3 क्वेश्चन मैंने ट्राई करे थे जिसमें से एक ही हुआ था। अभी अच्छा, मुझे एक हुआ, हार्डली 1 वीक हुआ है करते हुए। 1 वीक हुआ, नो इश्यूज। ठीक है, डाउट है किसी क्वेश्चन में किसी को अब तक जो भी आए हैं डे 1 से लेके डे 8 तक? कुछ समझ ना आया हो किसी क्वेश्चन में? किसी भी क्वेश्चन में जितिन, आपको किस क्वेश्चन में डाउट आया? आप कह रहे हो आपने 3 किए, 2 नहीं हुए। तो मैंने कोड फोर्सेस पे करे थे वो सीपी के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, सीपी क्वेश्चन थे। इनमें से हाँ जो कोई क्वेश्चन है उसमें आपको डाउट है डे 1 से 8 तक? नहीं सर, ये वाले अभी ऐसे ट्राई नहीं करे मैंने। अच्छा, ट्राई नहीं की, ठीक है। पेडेस्ट्रियन आप बताइए कि आपने आपने आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपने कितने सॉल्व किए हैं? ओके, मुनीश आनंद अग्रवाल आप बताइए। कोई डाउट है चैट में लिख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन क्वेश्चंस में से 1 to 8। हेलो। हाँ बताइए। हाँ भैया, वो मैं इससे पूछ रहा था, जैसे कॉइन कॉम्बिनेशन बना है इसमें तो अपने को
ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई से भी ऑर्डर में अपन वो प्रिंट कर सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कॉइन्स के। बट भैया जैसे कॉइन कॉम्बिनेशन सेकंड है, तो भैया इसमें ऑर्डर में लेना है, तो ये भैया मतलब एक अपन सोचेंगे तो इसको किस वे में सोचेंगे भैया? मेरे को, मैं कल से इसको मैंने सोल्यूशन नहीं देखा इसका अभी तक। मैं सोच रहा था अच्छा भैया मैं बट बताता नहीं हूँ, सोच पा रहा था इसको। ठीक है। तो कॉइन कॉम्बिनेशन 1 और 2 दोनों डिस्कस करते हैं। हाँ कॉइन कॉम्बिनेशन बन तो कर लिया मैंने, ये तो हो गया था। अच्छा 1 कर लिया था आपने, कॉइन कॉम्बिनेशन सेकंड नहीं हुआ था। सेकंड नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक बात देखो, सबसे पहली बात डीपी की स्टेट में मैंने डिफरेंस किया। कॉइन कॉम्बिनेशन 1 में आपने क्या किया, टेक या नॉट टेक की स्टेट बनाई होगी। हाँ टेक और नॉन टेक की स्टेट बनाई है। हाँ टेक या नॉट टेक की स्टेट बनाई है, एंड आपने हर एक एक केस को ट्रैवर्स किया होगा, हर एक एक कॉइन को लेकर देखा होगा, जिस किस किस कॉइन को आप ले सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। मेरी एक बात समझिएगा ध्यान से, स्टेट सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते भैया, सेशन को रिकॉर्ड कर लेना, तो इसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देना बाद में। हाँ, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है उसकी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ये तो कॉइन कॉम्बिनेशन 1 था, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको सम बनाना है 9, तो आप 9 के लिए क्या कीजिए, डीपी की स्टेट्स में सारे पॉसिबल कॉइन्स को लेके देखिए, एक बार 2 को, एक बार 3 को, देन एक बार 5 को, ये कैसे करेंगे, फॉर लूप से, ठीक फॉर लूप से है। इससे क्या होगा, आपको फाइनली आपका आउटपुट मिल जाएगा। ट्रांजिशन कैसे होगा, इसका ट्रांजिशन दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रांजिशन क्या करा हमने, नंबर ऑफ वेज आई को क्रिएट करने के लिए क्या किया हमने, डीपी ऑफ आई लिया है सर। यहाँ पर हमने हाँ इंडेक्स के लिए कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, यानी कि कोई जे करके हमने क्रिएट नहीं किया है, जो कि नॉर्मल नैपसैक में हम करते हैं। जे क्या बताता है कि कहाँ तक हम ले चुके हैं, यहाँ पर हमने कोई ऐसा क्रिएट नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, हर कॉइन को हर बार चेक करेंगे, हर स्टेट में हर एक एक कॉइन को चेक करेंगे। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करता है। तो 5 2 2 2 5 2 से डिफरेंट है, और 5 2 2 2 2 5 से भी डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं, आप कहते हो 9 का सम बनाना है और सिर्फ 2 और 5 के कॉइन्स हैं, तो 2 2 5 और 5 2 2 ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। हाँ लेकिन लेकिन कॉइन कॉम्बिनेशंस 2 में उन्होंने ये बोला है ऑर्डर्ड वेज, यानी कि ये दोनों चीज डिफरेंट नहीं हो, यानी कि 2 2 5 यही सिर्फ एक पॉसिबल वे होगी। इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, यानी डुप्लीकेट तरीके से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैंने किया क्या, डीपी में थोड़ा सा चेंज किया। डीपी में मैंने चेंज क्या किया, डीपी में मैंने चेंज किया कि हर बार, समझना मेरी बात को, हर बार मैं सारे कॉइन्स को चेक नहीं करूंगा। यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कॉइन्स को चेक कर रहा हूँ हर बार, वहां पर मैं क्या करूंगा, यहीं पर डीपी में एक और स्टेट बना लूंगा, क्या होगी, जे। यानी कि अभी मुझे किसे चेक करने की जरूरत है। अब इसकी मैं ट्रांजिशन समझाता हूँ आपको, उससे समझ जाएगा अच्छे से। ट्रांजिशन में डिफरेंस देखिएगा क्या है, वहां पर सिर्फ डीपी ऑफ आई बनाया था, यहाँ पर देखिए हम क्लेवरली कुछ ऐसा काम करेंगे कि एक ही ऑर्डर आएगा हमेशा। यहाँ पर ध्यान से देखो, डीपी ऑफ आई जे बनाया मैंने, जे क्या डिनोट कर रहा है, करंटली मैं किस कॉइन पे हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्टेट और चाहिए, एक स्टेट और क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी पता लगाना है कि अभी मैं किस कॉइन पे। अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने 2 लिया, अगर मैंने 2 लिया तो शायद ही हो सकता है कि मैं 2 को दोबारा लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 को लूंगा तो अपने टोटल रिक्वायर्ड सम में से 2 को माइनस कर दूंगा, लेकिन अपने आय को मूव नहीं करूंगा। आय को क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि यार हो सकता है मैं 2 को फिर से लूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 कॉइन है ना, उसको जब भी मैं लूंगा तो इकट्ठे लूंगा, नहीं तो मैं उसे लूंगा ही। यानी कि 2 5 2 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, 2 5 2 कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर 2 को लूंगा तो इकट्ठे लूंगा, यानी कि 2 2 फिर 5। मान लीजिए इसका 2 का इंडेक्स 0 है, तो मेरा आई पॉइंटर हमेशा 0 पे रहे। आई 0 से आगे मूव कब करेगा, जब मैं 2 कॉइन का साथ छोड़ दूंगा। तो अब 2 कॉइन को मैं दोबारा लाइफ में कभी ले ही नहीं सकता, आगे मैं कभी नहीं ले सकता 2।
तो इससे हुआ क्या, इससे मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्डर वे ही मिली। पहली बात, इसमें आई क्या डिनोट कर रहा है, इसमें आई डिनोट ये कर रहा है कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर वेज, शुरू के आई कॉइन से मैं कितने वेज बना सकता हूँ। तो अगर मैं आईथ इंडेक्स पे हूं ना, तो सिर्फ आई कॉइन को मैं चेक करूंगा, किसी और कॉइन पे चेक ही नहीं करूंगा। अब मान लो आपको एरे में कैसे दिए होते कॉइन्स, अज्यूम करो आपको एरे के अंदर कॉइन्स दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से कि, एक सेकंड, हाँ आपको कॉइन्स को जैसे दिए हुए हैं 2, 5 एंड 7। अब ध्यान से देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे सम बनाना है 9। मैं एक बात बोल रहा हूँ यार, पहले 2 को लो, लिया। अब दो ऑप्शन है, या तो 2 को फिर से लूंगा या 2 को लूंगा ही। तो अगर 2 को फिर से लूंगा तो एक बार और यहाँ 2 आ जाएगा। अब फिर से दो ऑप्शन है कि 2 को फिर से लो, एक और ऑप्शन है 2 को फिर से लो, फिर से 2 को मैं ले ही नहीं सकता। अब ये क्या हो गया, एक इनवैलिड वे मिल गया। यहाँ पे फिर मैं क्या कहूंगा कि 2 को मैंने नहीं लिया, इस बार किसको लूंगा, 5 को लूंगा। जैसे ही 5 को लिया मुझे एक वैलिड आंसर मिल गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 के साथ में किस किस को लिया, मैंने 2 के साथ डायरेक्टली मैंने इसके बाद 5 को ले लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 2 से एक बार 5 पे मूव कर गया ना, तो मेरा आय जो था, जो आय पॉइंटर था, उसको मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। तो जिंदगी में अब कभी दोबारा मुझे क्या नहीं मिलेगा, जिंदगी में दोबारा 2 फिर से कभी भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, 5 के बाद एट मैक्स या तो 5 ही आ सकता है या 7 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता दोबारा कभी। तो काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से आप भी कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको बना रहे हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो कभी भी 2 to 5 किसी और वैल्यू के साथ मैच ही नहीं करेगा। मैच इसलिए नहीं करेगा कि अगर मैं इसको 2 5 2 करूंगा तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बचेगा, नहीं बचेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे दिया हो ये सम कि पहले आपको 5 दे दिया, पहले आपको 5 दे दिया, देन 2 दे दिया और देन 7 दे दिया। अब मुझे सम बनाना है 9 का, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 के लिए चेक करूं। अब जब भी मैं 5 को छोड़ूंगा ना, तो उसके बाद उसके पास मैं दोबारा घूम के नहीं आऊंगा कभी, सीधी बात ये। और जब तक मैंने पकड़ के रखा है तब तक मैं किसी और कॉइन को नहीं उठाऊंगा, ये कंडीशन है। इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर बेस ही मिलेगी। तो अगर मैं 5 को छोड़ता हूँ 5 का साथ, तो मैं 2 पे आ सकता हूँ। अगर मैं 5 का साथ नहीं छोड़ता तो फिर से एक 5 को ले सकता हूँ, लेकिन ये तो एक इनवैलिड केस मिल गया, इसका तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अब मैंने अगर 2 को पकड़ा ना, तो 2 को या तो फिर से पकड़ सकता हूँ या 2 को मैं छोड़ सकता हूँ। अगर इस बार 2 को छोड़ूंगा तो किसको उठाना पड़ेगा, तो 7 को उठाना पड़ेगा। So. तो ये क्या हुआ, ये भी एक वैलिड वे मिल गई। लेकिन ध्यान से बात समझो कि 5 to 2 अगर एक वैलिड वे है ना, तो कभी भी कोई ऐसी वैलिड वे नहीं आ सकती जिसमें 2 to 5 आ जाए। क्यों? क्योंकि 5 हमेशा 2 से पहले है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी मुझे इनपुट में डेटा दिया हुआ है, उसमें जो कॉइन पहले आएगा ऑर्डर, हमेशा उस कॉइन को मैं पहले पिक करूंगा। फाइव तो अपन पहले ही पिक कर चुके हैं ना, तो वो बाद में आएगा ही नहीं, क्योंकि आई अपनी आई जो स्टेट है ना वो कॉइन्स को देख रही है कि एक बार जो ले बिल्कुल लिया ना उसको बिल्कुल, वापस आना ही नहीं है हाँ उस नहीं पर। नहीं है। तो इस वजह से क्लेवरली मैंने क्या किया, एक स्टेट एक्स्ट्रा बढ़ा दी वहां पर, सिर्फ डीपी। अब लेकिन एक बात बताओ मुझे, सारे बताओ, ओपन टू ऑल ए क्वेश्चन, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क आएगा? बताओ, सबके लिए ओपन है, जो जो मीट में है। क्या ऑर्डर होने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क आएगा? नहीं भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो नहीं फर्क आना नहीं चाहिए वैसे आएगा, तो। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आ सकता है, क्योंकि अपन ने टू स्टेट की डीपी बना ली। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बताओ, नहीं आना आएगा शायद, चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना दोनों चाहिए, सुनने नहीं दो आना तो चाहिए। साथ में, नहीं आना चाहिए रीजन। अच्छा, जो कह रहे हैं आना चाहिए वो रीजन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कह रहा है आना चाहिए तो रीजन बताओ। सर रिसेंटली सर सॉल्व किया था तो सर ऑर्डर सब सॉल्ट कर देते तो सर चल जा रहा था, और सर जब नॉन सॉल्टेड वे में कर देते तो सर टीएलई आ जा रहा था सर। नहीं, टीएलई आ रहा होगा तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, सॉर्ट वगैरह से कोई इशू नहीं आएगा, सॉर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है इसको। कुछ और इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी, आप अपने कोड को एक बार चेक कीजिएगा। कोड भेज दीजिए, नहीं तो आप अपना यहीं पे चैट पे भेज दीजिए, कोड भी चेक कर लेते हैं आपका। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बताओ यार, कितना
कितने लोग हैं मीट में? 7 लोग हैं, कोई तो बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? अच्छा नहीं, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊं? यस भैया सर, टाइम को, हाँ ओके। आएगा नहीं भैया नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे नॉर्मली बात करो, जो मन में, बताओ क्या दिक्कत है, डर क्यों रहे हो? अब डर नहीं रहा भैया। मतलब भैया टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज अपन एक ही फॉर लूप यूज कर रहे हैं जे के लिए, जो कॉम्बिनेशन वन के लिए किया था अपन सेम बेस केस यूज कर अच्छा रहे देखो, एक हैं। बात बताता हूँ तुम्हें, हमेशा डीपीयू में कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो कैसे निकाल, एक ट्रिक बता रहा हूँ आज। ट्रिक देखो ये, सीधी सीधी करना क्या है, सबसे पहले तुम एक काम करो, पहले ये बताओ कि स्टेट कौन कौन सी है। सबसे पहला काम, स्टेट कौन कौन सी है इस केस में, क्या है स्टेट? एक तो आई स्टेट है, एक जे स्टेट है, दो स्टेट है। मुझे कोई ये बता सकते हैं दोनों की रेंज क्या होगी, आई की रेंज क्या होगी और जे की रेंज क्या होगी? ये बताओ, आई की रेंज क्या होगी, जे की रेंज क्या होगी, एन के टर्म्स में बता दो पहले। आई की रेंज बता दो एन के टर्म्स में, कहां से कहां तक हो सकता है आई? -1 हाँ एन माइनस वन, तो यानी ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया इसका एन, आई का ऑर्डर तो आ गया एन, डन। जे की रेंज क्या है? जे की रेंज क्या है, मान लो, चलो समय, अभी समय हमें नहीं पता, जो भी है अभी देखेंगे, डन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कैसे निकालनी है, पहले तो ये निकाल लो, उसके बाद ये बताओ कि एक ट्रांजिशन को चेक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस स्टेप को चेक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कोई मुझे ये बताओ। बस इस ऑपरेशन को कर, इन दोनों ऑपरेशन को करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बता सकता है कोई? आई जैसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ आपको एक फिक्स आई और जे दे दिया, और ये ट्रांजिशन करके देखनी है मुझे रिकर्शन के अंदर, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी? जो शायद मल्टीप्लाई करके उनकी कंबाइंड पावर आए, मे बी। कंबाइंड पावर है? नहीं मैं, आप समझे नहीं मेरी बात, वो मैं डीपी की बात नहीं कर रहा अभी, डीपी में तो चलो आप सही कह रहे हो, एन इंटू एस एम लग रही है, एक ट्रांजिशन के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ये जानना चाहता हूँ, कि एक के लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन के लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, यानी कि डीपी ऑफ आईजे में कुछ ऐड करना है मुझे, तो उसके लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? मुझे एक ऑर्डर नंबर में ऑफ कोई दूसरा नंबर टारगेट ऐड करना है, जितनी बार लूप चलेगा। जितनी बार लूप, नहीं लूप की मत बताइए अभी आप मुझे, वो तो डीपी का लूप है ना, लूप के अंदर बताइए क्या टाइम, एक लूप में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है चलना, लूप के दो लूप है ना, मान लीजिए आपका आईथ लूप है, एक आपका जे जे के लिए लूप है, इसके अंदर कुछ काम हो रहा है ना, वो काम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है ये बताइए। अच्छा ठीक है, दो नंबर को ऐड करने की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी? ऑर्डर ऑफ वन ऑर्डर ऑफ वन, बिल्कुल सही बोला, घर ऐड ही तो कर रहे हो तुम, तो ऑफ वन ही तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक ट्रांजिशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक बार तुम इस डीपी आईजे को इक्वल कर रहे हो इसके, डन, दूसरी बार क्या कर रहे हो, इस डीपी आईजे में कुछ ऐड कर रहे हो, दो ऑपरेशन हुए ना, ओ ऑफ वन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अब क्या करना है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, एन इंटू सम इंटू ट्रांजिशन की कितनी है बताओ, अब ट्रांजिशन की कितनी है, बताओ अभी बताया ट्रांजिशन की कितनी है, देखो वन, टोटल करके वो लगा दो बाहर, ये हो गई किसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपकी पूरी डीपी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यानी कि एन इंटू सम, डन। अब देखो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करके दिखाऊंगा उसके इसके लिए, और तुम खुद बताओगे सेम आ रहा है या अलग।
ओके okay, अब बताओ पहले डीपी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए स्टेट के लिए। डीपी ऑफ आई के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑफ कितनी होगी सिर्फ डीपी ऑफ आई? आई की रेंज कहां से खोल सकती है ये बताओ पहले। ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन एन इसमें आई डिनोट क्या कर रहा है एक बार फिर से देखो। आई सर सम डिनोट कर रहा है, सम को डिनोट कर रहा है सर आई तो। हाँ तो एस एम कह सकता हूँ हाँ सम कह सकते हो, बिग ऑफ सम। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से समझना मेरी बात, ट्रांजिशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर मैं कहता हूं मेरे पास कॉइन्स जो अवेलेबल है वो एन कॉइन्स अवेलेबल, ट्रांजिशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बताओ एक ट्रांजिशन के लिए। ऑर्डर ऑफ वन, वन इस एक केस के लिए है लेकिन इसके बाहर कुछ लगा हुआ है ट्रांजिशन के लिए। ऑर्डर ऑफ एन। हाँ बिल्कुल ऑर्डर ऑफ एन। ट्रांजिशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई ऑर्डर ऑफ एन? डीपी की जो टेबल क्रिएट की स्टेट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई ऑर्डर ऑफ सम? तो टोटल फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ सम मल्टीप्लाई एन। बस सेम है हाँ यानी कि कोई फर्क नहीं आया। अब ध्यान से समझो बात को, उसी चीज को आप स्टेट में भी डाल सकते हो चाहो तो, उसी चीज को आप चाहो तो ट्रांजिशन में भी डाल सकते हो। आपको मैनेज इस तरीके से करना है कि आपको जब भी आप डीपी बना रहे हो ना तो दिमाग में एक चीज रखनी है कि जो काम हम जहां पर भी करेंगे उसकी कॉस्ट क्या लगेगी। कॉस्ट से मेरा मतलब यार यहाँ अगर तुम कोई भी स्टेट बना रहे हो ना डीपी में तो दिमाग में एक चीज रखना कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कितनी रेंज लग जाएगी। तो जितने स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो रेंज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जब भी तुम कोई ट्रांजिशन करना चाह रहे हो तो उस ट्रांजिशन की जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इससे क्या आ जाएगी तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बात समझ गए? अब मैं तुम्हें कोई भी डीपी दूं तुम 1 सेकंड में निकाल निकाल पाने चाहिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी डीपी। तुम्हें अगर बेस केस पता है ट्रांजिशन पता है तुम सीधा क्या करो मल्टीप्लाई करो आंसर निकल जाएगा। अच्छा इस केस में बताओ क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीपी की, पहले ही बताओ डीपी की क्या होगी सिर्फ स्टेट्स के लिए। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ आई की रेंज क्या होगी? वन होगी पक्का? ऑर्डर ऑफ सिक्स, आई क्या डिनोट कर रहा है? सम को डिनोट कर रहा है। सम 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 ऑर्डर ऑफ सम सम होना चाहिए। डन। यहां तक तो क्लियर है ना? देखो किसी चीज को कोई डाउट है तो ठीक है। अब बताओ ट्रांजिशन की कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ सिक्स, सिक्स कितना होता है? वन कांस्टेंट हाँ अच्छा सिक्स बन होता है, जो वन क्यों होता है ऑर्डर ऑफ सिक्स? कांस्टेंट का तो बन ही होता है सर, लाइक ऑर्डर ऑफ सेवन, ऑर्डर ऑफ हंड्रेड, हाँ तो नहीं उसको अब बन ही जैसे मैं बन। कभी ऐसे क्यों नहीं लिखता ऑर्डर ऑफ टू एन, अच्छा ऐसे क्यों नहीं लिखता? ये तो लीनियर हो जाएगा। हाँ लीनियर हो जाएगा ना तो मैं लिखता क्यों नहीं कभी एन क्यों लिख देता हूँ मैं कभी भी नहीं लिखता ओ ऑफ सिक्स, मैं ओ ऑफ वन लिखता हूँ हमेशा। रीजन पता है इसको? सर ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ टू एन सर लगभग सेम होते हैं, और सर अगर सर कुछ बढ़ा जाता है तो सर सब तब लिखना पड़ता है सर। नहीं टू एन मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये बात समझो, इन्होंने कहा ओ ऑफ मतलब छह छह ऑपरेशन हो रहे हैं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है छह ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन मैं उसे ओ ऑफ वन लिखता हूँ ओ ऑफ सिक्स नहीं लिखता कभी भी। कहीं आपने देखा है कोई एडिटोरियल आपने पढ़ा हो कभी ट्यूटोरियल पढ़ा हो लीट कोड पे भी कोड शेफ पे भी कोड फोर्सेस पे भी छह ऑपरेशन होते हैं ओ ऑफ सिक्स कोई कभी नहीं लिखता, ओ ऑफ क्या लिखता है हमेशा वन लिखता है। क्यों रीजन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा मैं बताता हूँ रीजन क्या है, रीजन ये है यार हमें मतलब होता है बड़े नंबर्स, यानी कि मैं एन की वैल्यू में अज्यूम करके चलता हूँ मुझे करना है कुछ बड़ा काम, मुझे 2 3 4 5 मल्टीप्लाई किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरे 6 ऑपरेशन लग रहे हैं या 100 ऑपरेशन भी लग रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मुझे इससे पड़ता है कि अगर मैं इनपुट का साइज चेंज करूं तो उससे क्या होगा।
यानी कि अगर मैं डीपी ऑफ आई, मैंने आपको बोला 6 ऑपरेशन है, इसमें क्या हमेशा हर केस में 6 ऑपरेशन रहेंगे ट्रांजेक्शन में, ये बताओ, हाँ या ना? इस क्वेश्चन के इसका अकॉर्डिंग डिनोट तो 6 ही रहेंगे, बस बस 6 6 ही ही रहेंगे रहेंगे। ना, तो मैं ओ से डिनोट बस ये करता हूँ कि यार वन का मतलब ये नहीं है वन ऑपरेशन लग रहा है, वन का मतलब ये है कि तुम इनपुट को कैसे भी चेंज कर दो, जो ऑपरेशन है ना वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे अगर कोई ओ ऑफ एन की चीज है, तो जैसे जैसे मैं इनपुट का साइज बढ़ाऊंगा उसके साथ लीनियरली बढ़ेंगे ऑपरेशंस। ओ ऑफ एन ये कभी भी नहीं कहता कि एन ऑपरेशंस लग रहे हैं, 2n ऑपरेशंस नहीं लग रहे, हो सकता है इसमें 3n ऑपरेशंस भी लग रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, इसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं। बट मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ, मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि मोटा मोटा रिलेशन क्या है इनपुट के साथ। तो वो मुझे ये बताता है कि रिलेशन क्या है। अब एन स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली एन स्क्वायर ऑपरेशन लगेंगे, इसका मतलब ये है कि यार मुझे माइंड में एक चीज पता है कि अच्छा एन स्क्वायर यानी कि अगर मैं एक की जगह 10 कर दूंगा तो 100 गुना हो जाएगा मेरा टाइम, टाइम जो टेकन होगा वो 100 गुना हो जाएगा, ये बात मुझे पता चलेगी। ये नहीं पता चलेगा कि सिर्फ एन स्क्वायर ऑपरेशन ही लग रहे हैं, ये चीज क्लियर हाँ भैया, हुई, ठीक है ना? तो कभी भी है, आप अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, ऑपरेशन कितने लग रहे हैं? 6 ऑपरेशन लग रहे हैं, 6। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ 1। कभी भी कोई आपको बोल दे सर एक कोड लिखा है उसमें 2n ऑपरेशन लग रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी? तो इसका बिगो फैन नहीं होगा। एन होगा, हाँ कभी भी आप 2n नहीं बोलेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ना आपके, एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 लग रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि बस एन को क्यों इग्नोर कर दिया? जो बड़ा रहता है उसी को लिया एन जाता है स्क्वायर वो के सामने एन पर बहुत छोटा रहेगा ना। ऑपरेशन। हाँ छोटा क्यों रहेगा, जैसे ही हम एन का साइज इंक्रीज करेंगे तो मुझे एन स्क्वायर से फर्क पड़ेगा, लेकिन एन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये है फैक्ट। तो हमेशा डोमिनेंट चीज को देखते हैं, इसके साथ अगर कुछ ए लगा हुआ है और ए अगर कोई कांस्टेंट है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। डन, चलो ये भैया तो अब बेसिक्स थे। अभी आपने अभी इनपुट को लेकर कुछ बताया था ना, मतलब मेरे को इतना क्लियर नहीं हुआ कि इसमें इतने इनपुट है तो इसका इनपुट चेंज नहीं है, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे बिग ऑफ 2 है ना तो इसको बिग ऑफ एन लिखते हैं हम हमेशा, तो इनपुट से रिलेटेड कोई रीजन बताया था ना अभी आपने। हाँ मैंने बोला अगर मैंने 8 साइज का एक इनपुट दिया तो मेरे 16 ऑपरेशन लगेंगे ना, हाँ ऐसे ही मैंने अगर 16 साइज का इनपुट दिया तो मेरे 32 ऑपरेशन लगेंगे, डन है ना? तो मुझे बस मतलब ये कि इंक्रीज किस तरीके से हो रहा है, किस ऑर्डर में हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, लीनियरली हो रहा है। मैं 8 कर रहा हूँ तो 16 हो जा रहा है, 16 कर रहा हूँ तो 32 हो रहा है, यानी एन से डिपेंडेंट है ये। ऐसे मैं 30 करूंगा तो 60 हो जाएगा, मुझे एक्चुअल में जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे कोई मतलब नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? यहीं पर अगर ये एन स्क्वायर होता तो 8 पर तो कितना आता, 64 आता, लेकिन 16 पर कितना आता है, देखो 16 पर ये डायरेक्टली कितना हो जाता, 256, कितना सिक्स इंक्रीज हुआ, ये देखो कितना फर्क आया, यहाँ 64 था सीधा 256 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एन स्क्वायर का ऑर्डर था। तो कांस्टेंट को हमेशा क्या करना है, इग्नोर करना है, कांस्टेंट पे कभी ध्यान नहीं देना, कभी भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट पे ध्यान सिर्फ कब देना है, जब तुम टाइम लिमिट देख रहे हो कि क्या इतने ऑपरेशन में चल पाएगा, मान लो 1e8 ऑपरेशन है उसके अंदर तुम्हें करना है, तो तुम देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे, तो उस केस में मैटर करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी देखनी है तो कांस्टेंट चीज को हमेशा इग्नोर करना, उसका कोई तुम्हें काम ही नहीं है, सिर्फ ये देखो एन का क्या ऑर्डर है, वो एन कितना यूज हो रहा है, एन की क्या डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री जो आउटपुट में आएगी, यानी नंबर ऑफ आउटपुट में आएगी, क्लियर? तो अब ट्रांजिशन के लिए बताओ ऑर्डर क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिगोब बिग ऑफ वन, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई इस डीपी की, बिगोब सम, इनटू वन यानी सम, हाँ ठीक है? मल्टीप्लाई, अब तुम्हें कभी कोई भी बोलेगा कि डीपी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, हाँ बता दोगे ना? डीपी की डेफिनेशन देख लो, क्या क्या स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट में क्या देखना है, ये देखो लोअर बाउंड क्या है स्टेट, अपर बाउंड क्या है, किस रेंज में होगा, ये सम की रेंज में होगा, डन। कोई दूसरी स्टेट होती उसको भी ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ,
फिर देखो ट्रांजिशन किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहे हैं, ट्रांजिशन को भी देख लिया। फिर क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसकी, डीपी की। डन। कोड से मतलब नहीं है, कोड तो तुम इम्प्लीमेंट कर लोगे कैसे भी, और एक्चुअल में जब तुम कोड इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम देखोगे ऑटोमेटिकली उतने ही फॉर लूप बन, ऑटोमेटिकली वो उतने ही फॉर लूप बनेंगे जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमने बनाई। डन। अब ये बताओ, कोई और क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई भी क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आए हैं अभी? 16 तक अपलोड हुए होंगे क्वेश्चन। आइडिया है किसी और को? डाउट ही नहीं है? क्वेश्चन से हटके डाउट है, लाइक हमको मतलब किस वे में पता करें कि कितने साइज का हमें डीपी बनाना है, वो कैसे पता करें? वो कैसे पता है किस साइज का डीपी बनाना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक किस मतलब अभी, हाँ एक क्वेश्चन अभी, मतलब मैं अभी लगा रहा हूँ लाइक, तो उसमें मेरे को तीन तीन वेरिएबल दे रखे हैं, मतलब तीन इनपुट हैं, एस के और ई मान लो, तो जो उसका जो रेंज है 1 से 1000 है, हाँ ठीक है, बट मैं 1005 का 2D DP बना रहा हूँ, बट स्टिल ये मेरे को रन टाइम एरर दे रहा है। सो ये कैसे पता करेंगे किस टाइप, किस वे में, मतलब कितने इसमें कितना चलेगा? देखो, सीधी बात है, मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले क्या करो, आप ये देखो पहली स्टेट क्या है आपकी, पहली आप ये स्टेट देखो आपकी पहली मेरी, स्टेट, हाँ पहली स्टेट की रेंज क्या है। पहली स्टेट, और मतलब दो दो स्टेट मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, एक एस और के, तो दोनों की 1000 तक कहाँ है से कहाँ तक मैक्स। वेरी हो रहा एक्स है 1 से 1000 और के है 1 से 1000। है? तो 1 से 1000 है ना, तो आप 1001 की बना लोगे एस, और बना के रहा को हूँ, भी मेरे मैंने दोनों मतलब 1005 की भी दोनों बनाए, स्टिल मेरे को रन टाइम एरर मिल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आपका एरर डीपी क्रिएट करने में नहीं है, आपका एरर ट्रांजिशन में हो रहा है या बेस केस में हो रहा ट्रांजिशंस है। तो लाइक ट्रांजिशन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है लीट कोड का ही है, कि मेरे को एक चलो स्टार्ट पॉइंट दे अभी रखा है, एक एंड पॉइंट दे रखा है। आप मुझसे इसके बाद बात कर लेना, उसके बारे में मैं कर लूंगा, अभी ओके मैं चाह ओके रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से डिस्कस कर, ठीक है? ओके ठीक। हुँ. भैया जैसे आपने ये कॉइन कॉम्बिनेशन सेकंड में सोचा कि इस डीपी में टू स्टेट बनेगी, जैसे डीपीआई डीपीआई और जे, तो भैया ये कैसे थिंक किया, मतलब आपने मतलब थिंक हो जाता है अभी मैं, पर जैसे मेरे को जैसे बंडी डीपी का क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं तो बंडी डीपी से ही मैंने सोचा कि ये बंडी डीपी से ही हो जाएगा, बट मैं बताता हूँ, आपने समझाने के बाद समझ में आ गया कि इसमें 2D DP बनेगी, क्योंकि आई तो उसको देखता जाएगा कि टू एक बार आना चाहिए जिसके बाद नहीं आना चाहिए। अच्छा तुम सब में से कोई भी एक ये बात बताओ कि जब तुम डीपी बनाते हो तो स्टेट स्टेट बनाने से पहले सोचते क्या हो? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। बनाने से पहले हम सोचते हैं कि कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। हाँ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सोच के बताता हूँ मैं थोड़ा डिफरेंटली सोचता हूँ। देखो मैं क्या सोचता हूँ, समझना बात। मैं ये सोचता हूँ कि कौन कौन सी चीजों की मुझे जरूरत है एक पर्टिकुलर आंसर की, कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसकी मुझे एक आंसर को निकालने के लिए जरूरत है। समझना मेरी बात को। मैंने बोला कि मुझे एक सम चाहिए, जब मैंने कॉइन प्रॉब्लम आई, मैंने कॉइन प्रॉब्लम देखी, मैंने कॉइन प्रॉब्लम 2 में बोला ऑर्डर्ड वेज है, ठीक है। हाँ मुझे एक बात तो समझ आई कि अब देखो, एक तो मुझे सम की जरूरत है, तो ऑब्वियस है सम तो एक स्टेट होगी, ये तो दिमाग में आ रहा है, सबके दिमाग में आ रहा हाँ है। लेकिन मुझे साथ में एक चीज समझ आई कि यार जब भी मैं सम तो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए, वो चीज क्या है कि किस किस कॉइन को मैं यूज कर चुका हूँ, ये चीज भी मुझे पता होनी चाहिए। अब ये मैं कैसे पता करके रखूं, इसके लिए मैंने क्या किया, ये जेथ स्टेट बना, जेथ नहीं मतलब आए वाली, ये डिनोट क्या करती है, इससे मुझे एक चीज पता चल रही है यार कि पीछे के मैं सारे कॉइन्स को ले चुका हूँ, मतलब चेक कर चुका हूँ, लेने से मेरा मतलब है चेक कर चुका हूँ कि लेना है या नहीं लेना, तो अब मुझे आयत कॉइन को चेक करना है। बात मेरी समझ में आ रही है? उसमें तो क्या था, हाँ अनऑर्डर था, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कॉइन का इंडेक्स क्या है, मैं हर एक को फॉर लूप से चेक कर लूंगा अपने ट्रांजिशन में। सोचने का तरीका देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब भी मैं किसी सम को बना रहा हूँ तो साथ में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि किस किस कॉइन को मैं चेक कर चुका हूँ, और अगर एक कॉइन को मैं चेक कर चुका हूँ ना, तो उसे दोबारा चेक नहीं करूंगा। दोबारा क्यों नहीं चेक करूंगा,
दोबारा इसलिए चेक नहीं करूंगा ताकि 252 भी एक वैलिड आंसर ना आ जाए और 225 भी ना आ जाए, दो बार रिपीट ना हो जाए, यानी 252 भी ना आ जाए और फिर 225 भी ना आ जाए। ये इसको अगर मुझे प्रिवेंट करना है तो मैं कैसे प्रिवेंट करूंगा, मैं इसको तभी प्रिवेंट कर पाऊंगा जब मुझे एक बात पता हो कि यार टू को मैं एक बार ले चुका हूँ। तो अगर मैं टू को एक बार ले चुका हूँ तो मैं इसके कंजिक्यूटिवली साथ ही लूंगा, या फिर मैं इसे लूंगा ही नहीं कभी। लेकिन क्या हुआ, मैंने फिर से ले लिया इस टू को। फिर से मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यार टू को तो मैं लेके आ चुका पीछे से। लेकिन अब मैंने इंडेक्स स्टोर कर लिया यहाँ पे स्टेट में, तो मुझे एक बात पता है यार कि हाँ ये टू दोबारा नहीं आएगा, ये टू दोबारा दोबारा कभी भी नहीं आएगा। और ये एक्चुअल में क्या है, मैंने एक सिंपल नैपसैक में कन्वर्ट कर दिया इस पूरे क्वेश्चन। आप देखो आपने नैपसैक का जो क्वेश्चन किया, ये डिट्टो नैपसैक का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक बार लिया एक बार नहीं लिया, ठीक है ना। तो ओके आपको जब भी स्टेट बनानी है आपको दिमाग में एक चीज रखनी है, दिमाग में क्या रखना है कि किस किस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत होगी उस आंसर को निकालने के लिए। तो मुझे दिमाग में एक चीज है, देखो एक तो मुझे सम चाहिए आंसर निकालने के लिए, लेकिन साथ में मुझे इंडेक्स की भी तो जरूरत है कि किस किस कॉइन को मैं ले चुका हूं, तो इसलिए मैंने दो स्टेट बनाए। डन, अब समझ आ रहा है। हाँ चीजों को मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि कुछ चीज ऐसी होती है जिनको मैं स्टेट से कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें ट्रांजिशन, यानी कि मैं अपने डीपी को या तो स्टेट की तरफ रखूं ज्यादा, या तो मैं स्टेट की तरफ रखूं या धीरे धीरे ट्रांजिशन की तरफ लेते हुए आऊं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इस केस में मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कहां ले गया, मैं इस केस में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को स्टेट की तरफ ले गया। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी ना उस स्टेट में, उतने कम ट्रांजिशन करने की जरूरत है। क्या इस बात से लॉजिकली एग्री करोगे? जितनी ज्यादा स्टेट मेरे पास अवेलेबल होगी उतने मुझे कम ट्रांजिशन करने की जरूरत होगी उस सेम डीपी, बताओ हाँ या ना। हाँ है ना, जितने ज्यादा ट्रांजिशन मैं करूंगा उतनी मुझे कम स्टेट चाहिए। ये कुछ कुछ वैसा है स्पेस टाइम का ट्रेड ऑफ, जितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी, जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घटेगी। तो ट्रेड ऑफ है, या तो स्टेट बढ़ा लो या ट्रांजिशन बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब तुम्हें ऑप्टिमली देखना है कि किस क्वेश्चन के हिसाब से कहां पर क्या चीज आएगी। ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ समझ आएगा, धीरे धीरे इंट्यूशन आने लग जाएगी अपने आप में कि अच्छा हाँ यहाँ पर मैं स्टेट बना लू। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में आई कि यार एक काम करता हूँ इंडेक्स को स्टेट बना लेता हूँ, तो सिंपल नैपसैक में कन्वर्ट हो गया। एंड ज्यादातर मैंने एक चीज देखी है यार, कोई 10 से 12 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन घूम घूम के, हर हर क्वेश्चन में वही लगने लग रहा होता है। मैं डीपी में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ अच्छे लेवल के, एंड लेकिन सब में कंसेप्ट वही 10 से 15 क्वेश्चंस का लग रहा होता है जो क्लासिकल क्वेश्चंस है। हमने सीएससीएस के क्वेश्चंस क्यों डाले इसमें स्टार्टिंग में, इसलिए डाले क्योंकि अगर तुमसे ये हो गए ना सारे, तुम खोल के देख लेना एट कोडर, चाहे कोड शेफ चाहे कोड फोर्सेस, तुमसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तुम देखोगे यार अरे हाँ ये तो वही क्वेश्चन लग गया, ये तो वही कंसेप्ट लग गया, सेम ट्रिक लग गई। अब ये नैपसैक है, कितने क्वेश्चन तुम ही बता दो, 15 क्वेश्चन दिए अभी तक, आई गेस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें नैपसैक ही लग रहा है। यस और नो, आप बताओ मुझे कि गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है। आप बताओ कोई और डाउट है इस क्वेश्चन में, स्टेट में कोई फंडामेंटल डाउट हो डीपी में? अच्छा कॉइन कॉम्बिनेशन वाले, तो ये थोड़ी दोनों थोड़ी समझ आ गए ना, दिक्कत स्टेट ट्रांजिशन कैसे करो। मुझे उसमें होती है। लाइक मैं रिकर्जन के बाद मेमोइज मेमोइज कर लेता हूँ, लेकिन उस ट्रांस जब टेबुलेशन या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का टाइम आता है उसमें दिक्कत होती है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की भैया मेरे मॉड टू वाले वीडियो ऑफ सॉल्यूशन देखे किसी ने, कौन से मॉड वाले फंक्शन, मतलब मॉड मॉड जिसमें यूज वाले, होता है। वो ट्रिक मैंने हाँ खुद हाँ बनाई है। ओके अच्छा, मैं अभी जो पूछ रहा था वो मतलब बेसिकली मॉड पे ही है, लेकिन वो सही लगा रहा हूँ मैं उसमें। क्या लगा रहे हो? हाँ मतलब मॉड लग रहा है उससे, मतलब मॉड को कैसे यूज करना है, लाइक कोई ड्रम बहुत ज्यादा बड़ा चला जा रहा है या ट्रांजिशंस बहुत, मतलब ये कॉल रिकर्जन कॉल बहुत ज्यादा जा रही है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, इसी बूट कैंप का क्वेश्चन है?
नहीं, वो अरे मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, लाइक मैं मुझे नहीं पता मतलब डीप क्या में चल रहा है, लाइक मैं मतलब डीपी के लगा चुका हूँ, 70-80 क्वेश्चन लगा चुका हूँ अभी, मैं उस में पूछ रहा था। कि आपको दिक्कत इसमें आती है स्पेस ऑप्टिमाइज करने में। हाँ, मतलब काइंड ऑफ आप ये कह रहे हो, मैं आपको एक काम करता हूँ, टेबुलेट करके दिखाता हूँ आपके सामने। ये जो कोड किया है ना, लाइन बाय लाइन आप मेरा थॉट प्रोसेस देखिए कैसे चल रहा। ये कॉइन कॉम्बिनेशन 2 है, यानी कि मुझे डिस्टिंक्ट ऑर्डर वेज निकालनी है, सम जे को कंस्ट्रक्ट करना है थ्रू आई कॉइंस। आपके सामने कोड लिखूंगा, फ्लो देखिए, कोड पे मत जाइएगा, आप फ्लो देखिएगा कैसे चल रहा है। लाइव कोड करता हूँ मैं आपके साथ, और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा क्या चीज में क्यों कर रहा हूँ, उससे आपको ना एक बार सारा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कैसे चीजें यूज करनी है और क्या क्या एरर फेस कर सकते हो आप पीछे। अभी आपको दोनों चीज सिखा देता हूँ, अभी फिर से एक बार मेमोराइजेशन का भी रिविजन करवा देता हूँ एंड टैबुलेशन का, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके साथ, एक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। कॉइन कॉम्बिनेशन 2 है, एन कॉइन्स दिए हुए हैं, सिंपल मुझे बताना है कि एक सम को क्रिएट करने के कितने वेज हैं। वो भी मुझे इनपुट दिया होगा, वो एक्स है, 10^6 होगा, एंड एन भी मुझे इनपुट दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ कॉइन्स है, और फिर मुझे वैल्यू दी हुई है कॉइन्स की। सबसे पहले इनपुट लेता हूँ, दिमाग लगा ही नहीं रहा मैं किस तरीके से क्या करना है। अब देखो सबसे पहले एन है, एक्स है, इनपुट को नहीं हटाता, इनपुट रहने देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, काम कम है। यहाँ मैंने क्या किया, एन को एक्स को इनपुट लिया, और साथ में मैंने एक नंबर ऑफ कॉइन, जितनी भी कॉइन की वैल्यूज थी उन सबको इनपुट ले लिया, डन। सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा रिकर्स, मैं रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ एक सीधा सीधा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कॉइन को या तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो उसको फिर से ट्राई करूंगा लेके। तो रिकर्जन कहाँ से इनिशियलाइज करना है मुझे अभी आइडिया ही नहीं आ रहा। आपको क्या, मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा अभी कहाँ से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बस ये रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, मुझे नहीं पता अभी क्या इनपुट दूंगा मैं। अब मैं एक तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं खुद जैसे कोड करता हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। रिटर्न क्या करना है, पहली बात तो मुझे रिटर्न, मुझे नंबर ऑफ वेज करने हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन बनाया, पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू को यार कह देते हैं इंडेक्स होगा, इंडेक्स होगा उस कॉइन का आए। दूसरी वैल्यू क्या होगी, सम होगी, ठीक है। धीरे धीरे सॉल्यूशन बिल्ड करना शुरू कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अब एक बात बताओ यार, मैंने आई लिया तो आई मेरा इंडेक्स होगा, अब मुझे बेस केस सोचना है कुछ, टर्मिनेट कहाँ करूँ कोड को। अब दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कहाँ टर्मिनेट करना चाहिए कोड को, किस इंडेक्स पे टर्मिनेट करूँ मैं कोड को, रिकर्सिव कोड, आप बताओ। बताओ कोई भी बताओ। ये जे जे क्या है मतलब, जे मैंने बना मैक्सिमम दिया जो सम, लेंथ। अच्छा ये सम है ओके, तो कि कितना रिक्वायर्ड सम, कितना चाहिए मुझे सम। आई आई क्या है भैया, फिर यहाँ पर साइज क्या आई अरे के इंडेक्स है, आई इंडेक्स जो है कि किस मतलब कॉइन पे मैं अभी हूं। किसको पिक कर रहे हो। हाँ हाँ तो वही सबसे बिल्कुल, पहले तो ये एक बेस केस बन जाए कि अगर मेरा आई ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, लाइक अगर मेरा उसके एरे के लेंथ के बाहर नहीं जा रहा है, तो एक बेस केस ये हो जाएगा। सेकेंड मेरा आ जाएगा शायद ये सम, अगर मेरा जीरो नहीं हुआ, लाइक सम लेस देन जीरो हो गया एंड स्टिल मुझे अपने रिक्वायर्ड नहीं मिला, तो अच्छा अब देखो एक एक काम शायद करते उन। हैं, सम को क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि सम को मैं लेस देन जीरो जाने ही ना दूँ। हाँ कर सकते हो, वो भी अलग चीज़ है, वो क्यों डिपेंड कर रहा हूँ मैं, करता समझो इस बात को, मुझे बाद में मेमोराइज करने में आसानी होगी, क्योंकि टेबल में नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं होते, तो अगर एक बार भी नेगेटिव सम आया तो मैं उसको मेमोराइज कैसे करूंगा या उसकी टेबल कैसे बनाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात। है। हाँ तो मैं उसको नेगेटिव कभी जाने ही नहीं दूंगा सम, ये बात तो क्लियर हो, डन। अब मैं एक बात कहता हूँ यार, मैं जैसे ही आई इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो मैं ये कहता हूँ मैं चेक ये करूंगा कि इफ जे इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न क्या करूं, रिटर्न वन, वन क्यों रिटर्न किया।
मुझे रिक्वायर्ड मिल गया अपना कि हाँ एक ये बिल्कुल पॉसिबल वे है, हाँ वे मिल गई, नहीं तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, जीरो नहीं तो जीरो करोगे। डन। ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पे बेस के सब ट्रांजिशन कैसे लेंगे, मान लो अपना एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, उस कॉइन को लूं? पिक करोगे तो, और हमारे पास दोबारा ऑप्शन है तो हम आई चेंज नहीं करेंगे, एक एक रिकर्जन कॉल में, और हाँ सेकंड वाले में मतलब I+1 कर देंगे। आई प्लस, अगर मैंने उस कॉइन को इग्नोर किया तो मैं क्या करूंगा, इग्नोर करोगे तो मतलब आगे बढ़ जाएंगे, तो आई आगे या अपडेट फिर हो जाएगा। पीछे, कहीं भी एक ही बात है, चाहे आगे से पीछे बढ़े चाहे अच्छा पीछे से हाँ आगे ओके बढ़े, ओके, हाँ मतलब अपडेट करेंगे कुल मिला के, अपडेट करेंगे। एंड जे को अपडेट करूंगा, जे भी अपडेट होगा। नहीं अगर पिक नहीं किया है तो अपडेट नहीं होगा जे, अगर पिक किया है एलिमेंट तो मेरा सम माइनस करंट ऑफ इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। अब आंसर में एक और चीज प्लस की, जब मैंने पिक किया है तो क्या आई अपडेट होगा, नहीं क्योंकि क्यों नहीं इसमें होगा? नहीं, अगर अगर हम एक मिनट, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम दोबारा पिक कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, नहीं वरना करेंगे हम कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि हम दोबारा पिक कर सकते हैं टू को, एक बार पिक किया है तो भी हो सकता है फिर से पिक करें। डन, जे में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, जे में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि पिक कर लिया है। ए ऑफ आई डन। लेकिन क्या ये वाली कंडीशन हमेशा चलेगी? इफ मेरा करंट जो नंबर है वो मेरे सम से बड़ा है, नहीं बस अगर ये छोटा चीज है क्या तभी होनी हम चाहिए, पिक ग्रेटर करते देन हैं। इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अभी तो जे माइनस ए आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डन डन है ना, ये बात क्लियर हो गई। रिटर्न क्या कर दूंगा मैं अपना, रिटर्न आंसर डन, कोई डाउट नहीं? ठीक है भैया, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई कि आई इक्वल टू पे आपने जीरो कर दिया, लेकिन आई तो आपका इंडेक्स हो सकता है जीरो, तो उस कॉइन को तो आपने चेक ही नहीं किया है ना, जीरो थे इंडेक्स पे जो कॉइन होगा उसको तो चेक ही नहीं किया। ये चीज आई किसी के दिमाग में कि जीरो पे तो हमने रिटर्न कर दिया ना, तो ध्यान से सुनो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करूंगा। जीरो क्या है, जीरो एक वो स्टेट है जो जीरो एलिमेंट यानी फर्स्ट वैल्यू उससे भी पहले है, तो मैं ये बोलता हूँ यार जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है ना उसको जीरो की जगह वन की तरह ट्रीट करूंगा, मेरी बात समझो। तो क्या होगा, जहां जहां पर भी ए ऑफ आई लिखा है वहां पे ए ऑफ आई माइनस वन आ जाएगा, और जब मैं अपने रिकर्जन को इनिशियलाइज करूंगा तो इसको एन से इनिशियलाइज करूंगा बजाय कि एन माइनस वन से इनिशियलाइज कर। ये बात क्लियर हुई है, ये बात पूछो अगर कोई डाउट है तो। मैंने एक बात बोली यार कि अगर मैं एन माइनस वन से इनिशियलाइज करता हूँ अपने रिकर्जन को, तो यानी मैं तो आई को तो इंडेक्स लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर इंडेक्स लेके चलूंगा तो आई इक्वल टू जीरो पे तो मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जीरो वैल्यू को भी चेक करना है, फिर मुझे यहाँ पे माइनस वन करना पड़ेगा, फिर मुझे अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे माइनस वन करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई को एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके डाल, यानी कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करके डाल रहा हूँ, लेकिन जब एक्सेस करना होगा तो मैं माइनस वन कर। एक बार यस या नो कह दो, अगर क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे मूव करूंगा। नहीं हुआ भैया, क्लियर नहीं हुआ। देखो क्लियर नहीं हुआ, देखो समझो मेरी बात, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मान लो एक ही कॉइन अवेलेबल था, ठीक है, 2 रुपीज का कॉइन अवेलेबल था, ओके 2 रुपीज का कॉइन अवेलेबल था, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने अवेलेबल है बताओ, एक। एक ही अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ रिकर्जन में इनपुट क्या देना चाहिए, मैं जीरो रिपीट देना चाहिए, करना। हाँ जीरो देना चाहिए ना, एक ही कॉइन अवेलेबल है, जीरो इंडेक्स पे वो हाँ तो। लेकिन मेरी बात समझो यार, जीरो पे तो मैंने बेस केस ही बना दिया अपना, हाँ तो मैंने तो चेक ही नहीं किया उस कॉइन के लिए, मैं तो सीधा बेस केस को रिटर्न कर दिया। एक डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से समझेगा, एक बात समझना, ये जीरो थे इंडेक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ओके ये सेकंड, एंड ऐसे ऐसे 100 इंडेक्स चल रहे हैं। बेस केस किस लेवल पे बनता है बताओ,
बेस केस किस इंडेक्स बेस से बनेगा? केस मतलब जहां पर अपना आंसर मिल गया हो और खत्म हो रहा हो। वो तब होगा ना यार जब ये जीरो को भी मैं चेक कर चुका हूंगा। हाँ तो जब मैं जीरो से भी पहले पहुंच गया यानी -1 पे पहुंच गया तब रिटर्न करूंगा ना मैं, यस भैया, यानी कि जीरो को भी चेक कर चुका हूँ, उससे भी पीछे आ गया मैं, तब मैं रिटर्न करूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप तो हमेशा जीरो के साथ रिटर्न कर देते हो, आप तो हमेशा जीरो पे रिटर्न कर देते हो, तो कैसे क्यों रिटर्न करते हैं? मैंने पता क्या करा, मैंने गेम किया, मैंने गेम क्या किया, मैंने कह दिया यार वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले। वन बेस्ड इंडेक्सिंग जैसे ही मैंने ली ना, इसको मैंने जीरो बोल दिया, इसको वन बोला, इसको टू बोला एंड इसको थ्री बोला। अब बताओ बात समझ में आ रही है? अगर भी समझ में गोटे तो जीरो क्या है एक्चुअल में? जीरो कोई इंडेक्स नहीं है, जीरो सिर्फ एक बेस केस के लिए कंडीशन है। इंडेक्स तो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं हमेशा क्या पास करूंगा, मैं n-1 की जगह क्या पास करूंगा, मैं रिकर्जन में n पास एन करूंगा। पास तो वो क्या होना चाहिए, बेस केस? बेस केस किस पे होगा? जीरो पे होगा। डन है, अब क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है हाँ। और a के परफेक्ट। अंदर i-1 क्यों लगाया, ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है भैया, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब क्योंकि आई तो 1 चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यार इंडेक्स तो 0 पे ही प्रेजेंट है ना, हाँ तो मुझे i-1 को चेक करना पड़ेगा उस चीज के लिए। डन, ठीक है, ठीक है भैया। ये चीज हो गई क्लियर। और भैया यहां तक मैंने एक बोलो। भैया, जैसे अपन ने लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू जीरो, इसके नीचे का ये कंडीशन है आंसर इक्वल टू आंसर प्लस रिकर्जन आई माइनस वन और जे, तो भैया इसमें से आई माइनस वन क्यों किया आपने? किस वाले केस में? ये एक ऊपर बार वाले केस पिक में, करना है, एक बार अनपिक करना है। लाइक अगर करंट वैल्यू को हमें ये अगर वाला अपने आंसर, हाँ अगर नहीं नहीं उठाना है, मतलब अब करंट करंट एलिमेंट को अब हम नहीं पिक कर रहे हैं, तो हम अपडेट करेंगे ना, स्किप करेंगे ना उसको, तो स्किप करने के लिए स्किप हमको कर रहे इंडेक्स हैं, भी बिल्कुल अपडेट सही करने बात। पड़ेगा। हम कह रहे हैं अरे कि हम अगले कॉइन को चेक करना शुरू करते हैं। आ गया भैया समझ में। हाँ, और इस केस में नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि मैं अभी इस कॉइन को फिर से चेक करने वाला हूँ। डन। चलो रिकर्जन मेरा क्रिएट हो गया है, बढ़िया बन गया रिकर्जन। मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं लिया है, तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ आई कि एक की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे एंड लगा दिया। एंड क्यों लगाया? क्योंकि बाय रेफरेंस ले रहा हूँ मैं इनपुट, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा ना यूज हो जाए हर केस में। डन, अब ठीक है। अब ये बताओ जे की जगह क्या इनपुट देना चाहिए? जी जगह एक्स एक्स देंगे, बिल्कुल ठीक है। एंड क्या दूंगा? ए दूंगा इनपुट। तो क्या ये मेरा आंसर होगा? डन। लेके रिकर्जन में भी क्या देना होगा? ए देना होगा, एंड यहाँ पे भी ए देना होगा, ये मेरा आंसर दे देगा। यहां तक बताओ कोई डाउट है या नहीं? नहीं है कोई डाउट, ठीक है, आगे मूव कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, आंसर में जब भी ऐड करूंगा ना, तो वैल्यू जो है बहुत बड़ी आ सकती है और ओवरफ्लो कर सकती है। तो हम हर स्टेप पे क्या करेंगे, आंसर को मॉड करते हुए चलते, आंसर को हर स्टेप पे मॉड करते हुए चलूंगा। क्यों? ताकि कभी भी इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रिकर्जन क्रिएट किया है। अच्छा, मैं एक इनपुट लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक कॉइन है एंड मुझे सम क्रिएट करना है 2, एंड 2 का ही मेरे पास कॉइन अवेलेबल है, तो कितने वे होनी चाहिए? वन 1 होनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं सही काम कर रहा है कोड या नहीं। पास, 1 ही आया है, कोड सही चल गया, कॉन्ग्रेट्स। यहीं पर आपके साथ बैठे बैठे कोड करते हैं, रिकर्जन का सिंपल कोड बनाया, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ध्यान से मेरी एक बात सुनना है, जो मैंने लिखा है वो और छोटा कर रहा हूँ इस कोड को। रिटर्न जे इक्वल टू जीरो। क्या ये चलेगा सही? ये 1 किस केस पे देगा वन देगा अगर जे जीरो हो गया तब दे देगा, और नहीं जीरो तो किस जीरो केस में देगा? देगा एल्स में। कोड कर दिया और छोटा। डन, रन करके देखते हैं चल रहा है।
अब देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, वो है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन करना उसके लिए सबसे पहले एक डीपी की टेबल बनाओ। डीपी की टेबल बनाई, अब ये बताओ एन के कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं एट मैक्स। इस केस में अज्यूम करते हैं 100 कॉइन्स होंगे, ठीक है, तो 101 होगा पहला डायमेंशन। ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? आई को। आई किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? इंडेक्स को, ठीक है। सम कितना जा सकता है? सम जा सकता है 10 रेज टू द पावर ऑफ 6। तो ये सेकंड वाला आप बताओ कितना होना चाहिए डायमेंशन। कोई भी नहीं बता पा रहा। एक्स की रेंज अगर 1e6 तक है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, तो डीपी का सेकंड डायमेंशन कितना होना चाहिए? अभी मैंने एक चीज बताई थी, सम के बराबर ही होना चाहिए भैया, सम प्लस 1। हाँ, सम प्लस वन, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 जोड़ दिया, खत्म। ये बन गई मेरी डीपी की टेबल, डन। डन। अब मेमोराइजेशन काम कैसे करता है, ये किसी को पता है? बिल्कुल, मेमोरेशन जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनको एक एरे के वैल्यू में डाल दो, लाइक दोबारा हाँ, रिकर्सन कॉल ना हो। दोबारा रिकर्जन कॉल। एक्चुअल में चेंज नहीं, थोड़ा सा गलत बोला बस आपने। जिस वैल्यू को एक बार आप निकाल चुके हो ना, उसको दोबारा नहीं निकालना। लॉजिक ही है, अगर आपको 0,0 के लिए आंसर एक बार पता चल गया ना, तो दोबारा मैं उसको कभी भी टच नहीं करूंगा, डन। सबसे पहली बात, डीपी में मुझे कुछ ऐसा डालना है कि मुझे पता चल जाए कि मुझे आंसर नहीं पता, तो क्या डालू? डीपी में मैं कोई ऐसी वैल्यू डालना चाहता हूँ कि मुझे ये डिनोट करे कि अभी मैंने आंसर नहीं निकाला इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो क्या डालना चाहिए मुझे डीपी? जिसको अपन एक बार पूरी टेबल को इनिशियलाइज कर देंगे ना किसी भी वैल्यू से, किसी भी वैल्यू से, लेकिन वो किसी भी वैल्यू क्या होगी? -1 लेक्स कर सकते हैं। -1। -1 ही क्यों ली? हाँ भैया, इसका रीजन नहीं पता, -1 ही क्यों लेते हैं, 2 क्यों नहीं लेते? हाँ टू क्यों नहीं लेते? बिल्कुल सही है, कोई और बताओ। क्या ले सकते हैं -2? बताओ, किसी को पता है? देखो मैं बताता हूँ भाई, जो तुम्हारी मर्जी हो ना, तुम वो लेना, बस ऐसी वैल्यू लेना जो कोई वैल्यू ना हो। फिर से मेरी बात सुनो, जो तुम्हारी मर्जी है ना वो वैल्यू ले लो, बट ऐसी वैल्यू लेना जो एक वैलिड आंसर ना हो। तो हम नेगेटिव वैल्यूज इसलिए लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वे कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। लॉजिक क्लियर हुआ इस बात का? यस भैया, वैल्यू ऐसी लेनी है जो कभी भी कोई वैलिड आंसर ना हो। तो कोई भी ले लो, तुम्हारा मन है, वो जो नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो ले लो, पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो कभी एक्चुअल में ना आए आंसर में। करेक्टर भी ले सकते हैं क्या? फिर क्या? करेक्टर करेक्टर भी ले सकते हैं क्या? ABCD। भी ले सकते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग क्रिएट करा है, तो इसमें कैरेक्टर नहीं नहीं तो, आएगा। हाँ इसमें तो करेक्टर नहीं आएगा, मैं हाँ, नॉर्मली कैरेक्टर भी पूछ ले रहा लो, हूँ। मतलब जनरली लेते नहीं हम, कैरेक्टर इसलिए नहीं लेते क्योंकि तुम्हें फिर डीपी भी तो कैरेक्टर वाली क्रिएट करनी पड़ेगी ना, हाँ यहाँ पे भी तो कैर करना पड़ेगा। तुम खाम खाम स्पेस वेस्ट करोगे, तुम्हें स्टोर सिर्फ एक नंबर करना है और तुम स्पेस पूरी कैर वाली ले रहे हो, कैर वाली या स्ट्रिंग वाली। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा। ठीक है, इसको आज आप कह रहे हो तो मैंने आज इसको -2 से इनिशियलाइज कर दिया, डन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, किस केस में मुझे पता होगा कि मुझे आंसर पता है? ये बताओ, डीपी ऑफ आई जे, इफ डीपी ऑफ आई जे क्या होगी तो मुझे पता होगा कि आंसर मुझे पता है इस चीज के लिए, बताओ। जब जब वो -2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो -2 के इक्वल नहीं है तो वो वैल्यू निकाल चुका है ऑब्वियसली टेबल अगर वो में। -2 के इक्वल नहीं है तो मैं सीधे सीधे रिटर्न क्या कर दूंगा? तो यानी ये वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ ऑब्वियसली, डन। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये तो काम हो गया मेमोराइजेशन का, लेकिन जो आंसर मैंने रिटर्न कर रहा हूं इसका मतलब वो आंसर मैं निकाल चुका हूं ना, जो हाँ आंसर मैं रिटर्न कर रहा हूं इसका मतलब वो आंसर निकल चुका है, तो मैं उसको हमेशा सेव करके रखूंगा कि इसमें डीपी ऑफ आई।
उसके बाद उसे रिटर्न करूंगा। डन। अब बस इतने स्टेप से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीटली चेंज हो गई। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई क्वेश्चन की, एन इंटू सम हो गई ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो रन करते हैं दोबारा, चल रहा है नहीं सही? हाँ चल रहा है, वो नहीं आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 2.5 कर लेते हैं एंड रिक्वायर्ड सम कर लेते हैं 7। 2, 5 एंड 7 एंड नंबर ऑफ कॉइंस कर लेते हैं 3। अब 2 वेज आनी चाहिए। डन। कोड सही चल रहा है, मेमोराइज कर दिया। ये बताओ मेमोराइज करने में किसी को कोई दिक्कत आई? हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, एक डीपी की टेबल बनानी है, उसको अनइनिशियलाइज कर देना है, उसके बाद अगर आंसर पता है तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली आंसर, नहीं तो आंसर को सेव करके उसके बाद रिटर्न कर देंगे। डन। ये बात तो क्लियर हो गई, किसी भी क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाओ, हमेशा मेमोराइज हो जाएगा कोड। बताओ इस चीज में कोई कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट है तो बताओ कि ये चीज समझ नहीं है। नहीं है कोई डाउट? नहीं भैया, वोट इट। मेमोराइजेशन क्लियर हो गई ना? दुनिया में कोई भी रिकर्सिव कोड आ जाए, कोई भी रिकर्सिव कोड आ जाए, हमेशा यही प्रोसेस फॉलो होगा। चाहे 2D DP बनाओ, चाहे 3D बनाओ, चाहे 4D बनाओ, कोई DP बनाओ, हमेशा प्रोसेस यही फॉलो होगा। इसके अलावा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं। सीधे सीधे टेबल बनाओगे, आंख बंद करके कर सकते हो ये काम, 10 क्वेश्चन करोगे उसके बाद अपने आप होने लगेगा। डीपी की टेबल बनाई, अनइनिशियलाइज की, अगर वैल्यू नहीं पता, अगर वैल्यू पता है पहले से रिटर्न कर दी, नहीं तो क्या किया, जब भी रिटर्न कर रहे हैं तो वैल्यू को सेव करके उसके बाद रिटर्न कर दिया। डन। मेमोराइज हो गया कोड। अब इसको करना है टैब्यूलेट। डन। अब टैब्यूलेट देखो कैसे करना है। इसी टेबल को यूज कर रहा हूं मैं, नई टेबल क्रिएट नहीं कर रहा। वैसे आप चाहो तो नई टेबल क्रिएट कर सकते हो। पहली बात तो यार पूरी टेबल को एक बार साफ कर दो। साफ करने से मेरा मतलब क्या है, 0 0 0 से इनिशियलाइज कर लेता है, पूरी टेबल को क्लीन कर लिया। डीपी ऑफ आईजे क्लीन क्यों किया, क्योंकि पहले से वहां पे कोई कोई वैल्यूज भर गई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार टेबल साफ हो जाए। डन। अब एक बात बताओ, अब मुझे क्या बनाना चाहिए? टेबल तो मेरी बन गई पूरी, क्लियर टेबल, एकदम क्लीन टेबल है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा मुझे बताओ, क्या चीज करनी चाहिए? टेबुलेशन का अगर थोड़ा सा भी आइडिया है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेट स्टेट। स्टेट तो कह रहे हैं, अच्छा स्टेट, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो हमने पहले ही एक्चुअली क्रिएट कर दिया, तो मैंने दिखाया नहीं आपको। स्टेट ना हमने पहले ही बना ही लिया, यानी एन है और ये एक्स है, तो स्टेट हमारी क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैंने फिर क्लीन कर दिया सारी स्टेट्स को। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, स्टेट बन गई, ये हो गया, अब क्या काम बचा? अब बेस अब केस का मुझे जो भैया, करना है वो है बेस केस, मुझे बेस केस बनाना है। कुछ वैल्यूज के लिए मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर पहले से पता है, मैं भगवान हूं, मुझे पहले से पता है आंसर। कुछ केस के लिए, वो कौन से केस होते हैं जिन केस में हम भगवान होते हैं, वो होते हैं बेस केस, हमें पहले से पता होता है आंसर, हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है उस आंसर को निकालने की, उनको हम बेस केस कहते हैं। जो आंसर आप खुद से निकाल सकते हो ना, जिसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं, वो होता है बेस केस। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ यार, अगर जे को कहां से कहां तक ले गया, जे को सारी वैल्यूज के लिए ट्रेवर्स किया, एंड मैंने बोला कि अगर आई इक्वल टू 0 हो गया तो आंसर क्या होगा बताओ? भैया स्क्रॉल करना है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? हाँ अब बताओ 0 के केस में क्या होगा आंसर? मैं भगवान हूं, मुझे इसके लिए आंसर पहले से पता है, मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, बताओ क्या होगा आंसर? आई अगर इक्वल टू 0 है तो क्या आंसर होगा? बताओ कोई तो बोलो, किसी को भी नहीं आ रहा क्या समझ? तो सीधे सीधे भैया आंसर क्या होगा, जे इक्वल टू 0। डन।
यानी कि अगर आई इक्वल टू इक्वल टू जीरो हुआ, अब मुझे कोई कॉइन चूज ही नहीं करना यार, ना मेरे पास कोई कॉइन है, तो अगर जीरो सम बनाना है तो एक वैलिड वे मिल गई है ओके, लेकिन अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब मुझे एक वैलिड वे नहीं मिली, तो मैं क्या जीरो रिटर्न कर दूंगा। ये क्या है मेरा, क्या है मेरा ये बताओ। जे इक्वल टू इक्वल टू जीरो को एक बार रिपीट करना। जे इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये वन रिटर्न कर देगा, यानी कि हाँ हाँ कोई कॉइन अवेलेबल भी नहीं है और ना मुझे कोई सम बनाना, बहुत बढ़िया, ना मेरे पास कोई कॉइन है ना कोई सम बनाना, यही तो मैं चाह रहा था, यानी मेरा जो सम मुझे बनाना था वो बन चुका है, अब मुझे कुछ ना मेरे पास कोई कॉइन बचा ना मुझे कोई सम बनाना, तो वैलिड वे मिल गई मुझे ओके। लेकिन इसके अलावा कोई भी और केस आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो रिटर्न हो जाएगा, यानी वैलिड वे नहीं, यानी मेरे पास कोई कॉइन तो है नहीं लेकिन शॉपकीपर को कुछ पे करना है। आप शॉप से कुछ सामान खरीद के लाए, मान लीजिए बिस्किट खरीद के लाए, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है लेकिन आपको 5 रुपए पे करने हैं, तो ये तो वैलिड वे नहीं हुई ना। वैलिड वे तब है जब आपका बैलेंस क्लियर है, हाँ मुझे पता है कि ना मेरे पास कोई कॉइन है और ना मुझे कोई सम क्रिएट करने की जरूरत है। डन, अब मैं अपनी टेबुलेशन स्टार्ट करता हूँ, ये बताओ आई को स्टार्ट कहाँ से करूँ। जीरो से नहीं, वन से जीरो, कर दो, वन से, वन से, जीरो या वन, हाँ ये बताओ, ये क्लियर करो यहीं पे, जीरो या वन। वन से करेंगे भैया। वन, वन से क्यों किया यार, बेस केस का आंसर है, जीरो यही के तो लिए मैं हमें कंप्यूटर सबके को, आंसर्स पता है ना, इसलिए हाँ एग्जैक्टली कंप्यूटर को मैं कह रहा हूँ कि जीरो की मुझे जरूरत नहीं है, जीरो के लिए तू कैलकुलेट करके मत दे, जीरो के लिए मैंने अलग से खुद से कैलकुलेट कर लिया, तू बस मुझे आगे का आंसर बता। आई को क्या किया, प्लस प्लस, एंड देन मैंने क्या चला एक फॉर लूप। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया कि भैया जे को आपने वन से क्यों किया, पीछे से क्यों नहीं चलाया, आया किसी के दिमाग में क्वेश्चन, आया या नहीं आया। बैक क्वेश्चन रिपीट करना भैया। मैं कह रहा हूं कि आपने आई को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिया, वन से क्यों स्टार्ट किया, एन से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, आई एन से वन तक ले आते, मेरा क्वेश्चन सोचो, कभी तुमने इस क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि आई को वन से क्यों स्टार्ट किया, एन से भी तो स्टार्ट कर सकता था आई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे ही जे को भी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, क्यों। एक बात बताता हूँ फंडामेंटल, तुम्हारा बहुत अच्छा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, अगर मुझे आई के लिए आंसर चाहिए तो मुझे इससे छोटी वैल्यूज के लिए आंसर पहले पता होना चाहिए या बड़ी वैल्यूज के लिए पहले मुझे क्लियर, छोटी छोटी के लिए, के लिए, तो पहले मैं आंसर किस वैल्यू के लिए निकालूंगा, छोटी के लिए या बड़ी के लिए, छोटी खत्म, तुमने खुद आंसर कर दिया, तो पहले मैं क्या करूंगा छोटी वैल्यूज के लिए आंसर निकालूंगा, फिर कहाँ जाऊंगा बड़ी वैल्यूज के लिए। अब सेम बात मुझे जे के लिए बताओ, जब मैं जे का यूज कर रहा हूँ तो पहले छोटी वैल्यूज का आंसर निकाल रहा हूँ या बड़ी वैल्यू, छोटी छोटी, छोटी, क्योंकि मुझे छोटी की जरूरत है पहले, छोटी का अगर मेरे पास आंसर होगा उससे मैं बड़ी वैल्यू का आंसर निकाल पाऊंगा, तो सेम दोनों को मैंने क्या किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला, ये चीज क्लियर हुई हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो करना क्या है, मैं लिखूंगा ही नहीं कोड दोबारा, मैं ऐसे कैसे कोड लूंगा, पूरा कोड ऐसे कैसे यहां पे पेस्ट कर दूंगा, किया पेस्ट, जीरो से इनिशियलाइज नहीं करने की जरूरत है क्या, हाँ या ना, नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया इनिशियलाइज, इसको हटाया यहां से, इसको हटाया, जहां जहां पे आंसर लिखा था ना, जहां जहां पे आंसर लिखा था आंख बंद करके डीपीआई जैसे रिप्लेस कर, बैक स्क्रॉल करना थोड़ा। आंख बंद करके डीपीआई जैसे रिप्लेस कर दो, सच में आंख मत बंद कर लेना, आंख खोल के रखना, मतलब बिना सोचे हुए डीपीआई जैसे रिप्लेस कर दिया, डन, जहां जहां पे रिकर्जन की कॉल वहां वहां पे और डीपी वहां लिखो, उसका इंडेक्स के वैल्यू, वहां अब डीपी बताओ लगा दो, यहाँ पे क्या और लिखना चाहिए डीपी में, आई माइनस वन जे, देखिए एक जो हमारे उस रिकर्जन के उसी चेंजिंग को, हाँ फैक्टर्स है उसके वो उसको बना कॉरेस्पॉन्डिंग दो। अब टेबल में स्टेट क्या होगी, ये होगी, सेम यहाँ पे भी बताओ क्या होगा, आई और जे माइनस ए माइनस आई वन, तो क्या होगा आई और जे माइनस ए ऑफ आई वन,
और इसको यहां से मैं क्या कर दूंगा, वैनिश कर दूंगा, काम खत्म। अब बताओ डन, मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बताओ, फाइनल आंसर क्या चाहिए मुझे ये भी बताओ। रिटर्न चाहिए, क्या चाहिए रिटर्न? फाइनल आंसर तो टेबल के एकदम लास्ट की वैल्यू चाहिए ना, जो अपने को एकदम लास्ट में अभी मिल रही टेबल है, से छोड़ो यार, टेबल से मतलब छोड़ो, डिकर्शन से बात करो। सर जिंदगी में ना तुम्हें टेम्बुलेशन करने के लिए कभी टेबल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, अगर रिकर्जन के थ्रू कर। तुम एक बात बताओ, फाइनल आंसर रिटर्न क्या कर रहे थे रिकर्जन में? स्टेट एन आई की क्या वैल्यू है रिकर्जन में, जो तुम्हें चाहिए थी? एन और एक्स करना है, खत्म बात, टेबल के बारे में सोचने नहीं, हम क्यों सोचे टेबल के बारे में? एन एन और एक्स दोनों। ठीक, देखो कुछ एरर आया, ए वॉज नॉट चल रहा है, डिक्लेयर्ड। ए ए डिक्लेयर नहीं है, वो ओके, सी वो सी सी से से डिक्लेयर डिक्लेयर किया था। किया हुआ। चल गया, आ गया, कोड चल गया। ये था फेल कर रहा पहला है जो थोड़ा आंसर सा। आया रिकर्जन के लिए, सेकंड जो आंसर आया वो आ गया टेबुलेशन के लिए। टू टेबुलेशन के टू लिए दोनों के लिए सेम आंसर है। अब ये बात बताओ, टेबुलेशन समझ में आई? थोड़ा कुछ क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या एक स्टेप और ऊपर जा सकते हैं क्या, अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, स्टेप अप वो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो। स्टेप ऑप्टि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। ये बताओ, आई के लिए तुम्हें किस किस स्टेट की जरूरत है? जब तुम आई स्टेट पे हो तो किस स्टेट की जरूरत है तुम्हें? आई पे है तो जे की जरूरत क्या है, मैं नहीं, आई से रिलेटेड में बताओ, आई आई की और कौन सी स्टेट की जरूरत है? I-1 डन, इसके अलावा कोई और स्टेट चाहिए आई की? नहीं। ठीक, तो इसका मतलब तुम्हें दो स्टेट ही तो सेव करके रखनी है। तुम 100 स्टेट क्यों सेव करके रख रहे हो यार? तुम्हें जब आई स्टेट पे हो तो जरूरत तो सिर्फ I-1 की है, तो मैं सारी स्टेट्स को क्यों स्टोर कर रखते हो? तो अब मुझे नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ आई की कितनी है जिसको मुझे सेव करके रखना है। दो हैं आई की, आई और I-1। तो डन, मेरी बात सुनना ध्यान से, ट्रिक क्या है, ओके। जहां जहां पे भी आई लिखा है ना टेबुलेशन में, तो आई मॉड 2 कर। जहां जहां पे लिखा है बिल्कुल बिना सोचे हुए, ये पूरे कंप्लीट में जाएगा अगले में। खत्म। यहां पे भी आएगा क्या मॉड 2? नहीं यहाँ नहीं आएगा, आएगा क्या, यार यहाँ भी आएगा। कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहा। एक थोड़ा चीज बताएंगे, ये आप जो कौन सा की मतलब लैपटॉप में कौन सा कीवर्ड यूज करते हो जो स्पेस आ जाता है कोड के बीच में। कोड के बीच में, अच्छा ऑटो, ये ऑटो फॉर्मेटिंग के लिए एक्सटेंशन डाला हुआ है, ऑटो फॉर्मेट करके एक्सटेंशन डाला कंट्रोल शिफ्ट टैब, नो है। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट आई, आई, कंट्रोल शिफ्ट आई। तो ये इंटेलिजेंस सबलाइन डाला में भी हुआ यूज है होता है गैस, यहीं पे ऑप्शन आता है, या ये रहा सबलाइन में फॉर्मेटर। भी काम करता है क्या? सबलाइन सबलाइन में नहीं में करता, सबलाइन में नहीं करता। सबलाइन में सेव करेगा ना तो कंट्रोल एस, तो स्पेस आ जाएगा कंट्रोल, एस। कंट्रोल एस तो सेव होगा ठीक ना वो, है। तो उसमें क्या। एक बात बताओ, तुम स्पेस के लिए इतना रोते हो, स्पेस 1 सेकंड के हिसाब से मेमोराइज कर दी, मतलब स्पेस सेव कर दिया नहीं कर दिया बताओ? सिर्फ सिर्फ 10 सेकंड से 20 सेकंड लगे होंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं। हाँ लेकिन तुम क्या करते हो, एक में डालते हो फिर उसे एक को दूसरे में कॉपी करते हो, यही करते हो ना जनरली, जरूरत ही नहीं है उसकी। तुम बस मॉड 2 लगा दो, जितनी स्टेट चाहिए वहां वहां पर मॉड, ये देखना पूरे कंप्लीट पे लगेगा। तो अगर I-1 है, कंप्लीट ओके। पे मॉड लगा। मॉड से हो क्या रहा है एक्चुअली में, तुम्हें ये समझ आ रहा है ये क्यों लगा? इंट्यूशन क्या है नहीं आया भैया, ये समझ लो कि ये क्यों लगा। इंट्यूशन, तुम्हें पता क्या है इंट्यूशन मिशन? इसकी बता दीजिए, बता दीजिए। ये वैसे मैंने खुद ट्रिक डेवलप की है, शायद तुम्हें कहीं पे मिलेगी भी नहीं मॉड वाली। देखो सीधी मैं सी हमेशा बात है, मेमोइज मेमोइज करके एक बार छोड़ देता था, जितने भी क्वेश्चंस करें टेबुलेशन पे गया ही नहीं। ये मैं भी तो नहीं भाई गया टेबल भैया है, अभी एक तक चीज देखो, इसको। टेबल
क्या कह रहे हो आप? अरे मतलब मैंने जितने क्वेश्चंस करे हैं, लाइक बताया ना मैंने 70-80 क्वेश्चन कर रखे हैं, सब में मैं मेमोराइज करने के बाद छोड़ देता था कि हाँ नहीं ये बाद का गलत हो है। ही हाँ जाएगा। टेबुलेशन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं एक कॉन्टेस्ट में गया था, बीवी क्या मैं कॉलेज है दिल्ली में, वहां पर मेरे साथ हुआ ये कि मैंने मेमोराइज कर दिए। पहले मैं भी सिर्फ मेमोराइज करता था, लेकिन मेमोराइजेशन से क्या होता है काफी बार आपको टीएलई आ जाता है, क्योंकि स्पेस स्पेस भी सेव करनी होती है काफी बार आपको, नहीं तो रन टाइम एरर आपका स्पेस की वजह से भी आता है रन टाइम एरर। किसी ने मुझसे मीट के स्टार्टिंग में बोला था कि रन टाइम एरर आ रहा है, वो आपका स्पेस की वजह से भी आ सकता है, मेमोरी मैं ही लिमिट। पूछ रहा था, मैं ही पूछ अच्छा रहा आप ही था। पूछ रहे थे। हाँ तो वो मैं स्पेस की वजह से भी आ सकता है रन टाइम एरर। आप भैया सोचते एक रहेंगे कि टॉपिक क्या डाउट पूछ दिक्कत। सकता हूँ? हाँ पूछो। मैं जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ ना, फर्स्ट ईयर बीटेक में, और मुझे सीपी वगैरह करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपनी सीपी जर्नी। मुझे बस सी आती है अच्छे से, सी लैंग्वेज। सी आती है ना, तो आप सी प्लस प्लस पे मूव हो जाओ। C++ मतलब मैं एक वो है लव लव बब्बर करके यूट्यूब चैनल है, उसकी मैं डीएसए वाली प्लेलिस्ट देख रहा था, लाइक फिर अगर उधर मतलब मैं बताऊँ ना, लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है सी सी प्लस प्लस में। इनपुट हाँ आउटपुट वही। देख लो और कोड हाँ क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। बाद में तुम अगर कोई कहीं फंस रहे हो तो GFG जाकर गूगल के आर्टिकल पढ़ लो, समझ ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। डीएसए अगर करो, डीएसए करो तो वो STL सी प्लस प्लस में करना, ऑटोमेटिकली तुम्हें एसटीएल क्लियर हो गई। STL का क्लियर हो मैं वो ही जाएगा। कर रहा था भैया। हाँ वो करते और रहो फॉलो, फिर डीएसए करते रहो, छोड़ो मत डीएसए, डीएसए साथ साथ करते रहना, जल्दी से कर लो डीएसए। और उसके साथ क्या करूं? सीपी डीएसए के के साथ साथ कोड फोर्सेस पे कंटेस्ट देते रहो आप रेगुलर, कॉन्टेस्ट देते मतलब रहो, कोड फोर्सेस प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अभी बन करो। नहीं रहे थे। बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे अभी, 1000 2000 रेटिंग के, मतलब 1000 1200 1100 ना ये वाले नहीं बन रहे, मतलब एक ही हुआ था 800 का। 800, तो धीरे धीरे 800 की प्रैक्टिस लगाओ प्रैक्टिस आप, कर लो 10 20 सवाल। अभी, बोल फर्स्ट सेम में ना कर लो यार, एक एक महीना दे लो, मेरे ख्याल से तो उतना ही सही है, फर्स्ट सेम में ना तुम्हारा कर लोगे। और और सी डीएस प्लस प्लस क्या मैं वैसे करूँ? कोई लेक्चर्स फॉलो स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस के करूँ नहीं या नहीं नहीं डी सी सी एस ए प्लस के प्लस थ्रू में ज्यादा सीखूँ? टाइम इन्वेस्ट मत करना, सिर्फ सी प्लस प्लस सीखने में, डीएसए में इन्वेस्ट करो, उससे सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्वेश्चन करने से आता है, सी प्लस प्लस वैसे लेक्चर देखने से नहीं आता। वही, एग्जैक्टली। जैसे लाइक मुझे लैंग्वेज वगैरह कोडिंग थी की ना। दुनिया में सिर्फ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर आएगा, और लाइक लेक्चर में जो वर्कफ्लो आपको समझ बताएगा लो। वो आधे से ज्यादा चीजें इररिलेवेंट होगी, वो यूज ही नहीं होगी कभी आपकी। जैसे वो थी ना कुछ बेसिक लाइब्रेरीज स्ट्रिंग वगैरह वाली, वो नहीं आ रही थी मुझे उसके कुछ। हाँ वो आप देख सकते हो। तो अब मैं इसकी इंटेंशन बता देता हूँ कि ये देखो, ये आपकी टेबल है सिंपल, ये मेरा मान लीजिए आई इक्वल टू 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है। मुझे मान लो मुझे सिर्फ स्टेट की जरूरत है, मुझे उससे पहले वाले कॉलम की कभी जरूरत ही नहीं है जब मैं स्टेट पे हूँ, तो मैं इन सब वैल्यूज को क्यों स्टोर कर रहा हूँ, इन सबको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई, मैंने ये बोला कि यार मैं मॉड 2 कर देता हूँ और टेबल का साइज ना सिर्फ 2 कर देता हूँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, टेबल फिल कैसे होगी। टेबल देखो फिल ऐसे होगी कि पहले ये वाला पूरा रो फिल होगा, हाँ फिर ये रो फिल होगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं 2 पे आऊंगा ना, मैं 2 पे ये कहूंगा यार कि 2 mod 2 क्या होता है, जीरो 0। तो वापस मैं किसको फिल करना शुरू कर दूंगा, इस वाली टेबल को ही, इस वाली रो को ही फिल करना शुरू कर दूंगा। देन फिर जैसे ही 3 आएगा तो फिर से मैं क्या होगा, 3 mod 2 कितना होता है, बन 1 होता है। इस बार मैं क्या करूंगा, 1 को फिल करना शुरू कर दूंगा। अब जैसे ही 4 आएगा, 4 के बाद 4 के लिए मैं किसको फिल करना शुरू करूंगा, जीरो 0। तो क्या हो रहा है, मैं हमेशा 1 0 है 1 1 है, हमेशा इन दो के बीच में क्या हो रहा हूँ, ऑल्टरनेट करने लगा। तो इसके अलावा किसी ये और जो आपने बताया है ये अपना, अब तो मतलब मॉड करने का तरीका, ये आपका खुद का तरीका था या नॉर्मल कहीं पढ़ा था ये मेरा खुद इसको? का तरीका है, मैंने अभी तक तो कहीं पर नेट पे देखा नहीं है, ये मेरे वही मैं माइंड में सोच खुद रहा से था है। कि लाइक मैं खुद सोच रहा था कि कैसे एकदम से बना दिया, लाइक बढ़िया है, काफी काफी अच्छी ट्रिक है। हाँ ये काफी मेरे अच्छी माइंड में ट्रिक खुद है। से है, तो ये मैंने बनाया, ये शायद मिलेगा भी नहीं आपको, कहीं नहीं मिलेगा नेट पे, नहीं मिलेगा, देखो। नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी सब देख चुका था। हाँ इससे क्या है, बस बस मॉड लगाया और ऑटोमेटिकली मैं इन ही के बीच में ट्रैवर्स करता रहूंगा, और क्या होगा फाइनली मेरा आंसर जहां पे भी आएगा। अब फाइनल आपका हो गया, एन पे आंसर है, मुझे क्या पता एन पे आंसर, एन क्या है,
एन का भी मॉड टू कर दो, तो अगर फिफ्थ का आंसर है तो वो कहाँ मिलेगा, वो वन पे मिलेगा। अगर सिक्स होता है तो सिक्स का आंसर कहाँ मिलेगा, वो जीरो पे मिलेगा। डन, इंट्यूशन समझ गई। तो इन इनकी मुझे कभी जरूरत ही नहीं। इससे क्या हुआ, मेरी स्टेट सेव हो गई, साइज सेव हो गया। एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही लगेगी, लेकिन स्पेस साइज कॉम्प्लेक्सिटी सेव सेव। है। ठीक है, डन, क्लियर है ना सारी चीजें। बाकी यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम बूट कैंप के क्वेश्चंस तो फॉलो कर रहे होंगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बूट कैंप में। जो हमने क्वेश्चंस चूज किए हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर तुम ये कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हो तो ये गारंटी मेरी है कि तुम्हारा डीपी 90% कम्प्लीट हो जाए। 100% तो कभी कम्प्लीट नहीं होगा, वो तो मेरा ही नहीं हुआ आज तक, तो लेकिन 90% 100% कम्प्लीट हो जाएगा। किसी का होता भी नहीं है भैया, वो हाँ, हंड्रेड 90% ही होता परसेंट है। में हाँ 70% में अपना मान सकता हूँ कंप्लीट है अभी तक, मेरा भी ऐसे सीन है। बेसिकली है। इससे काफी हेल्प हुई है भैया, ये तो है। हाँ तो ठीक है, ओके भैया, बाकी डाउट मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। एक लाइव सेशन और लेंगे, वो फिर नेक्स्ट संडे लेंगे। ओके भैया। भैया इसके बाद आप ट्री का सेशन भी स्टार्ट कर देना, मतलब ट्री का बोर्ड को, ट्री प्लस ग्राफ का, ट्री का बाइनरी भी ट्री है नहीं। हमारे माइंड में, ट्री का भी है माइंड में। एंड वो ये अभी हम मतलब मुझे पर्सनली ना थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो मैं अच्छा इतना एक्टिव नहीं रह पाता सीनियर पे। मैं अभी एनएसयूटी में ही हूँ, थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा ओके हाँ, भैया। थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेरी भी साथ साथ चलने लग रही है। भैया मैं भी थर्ड ईयर में ही हूँ, मेरा भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए तो अभी थोड़ा हाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे मेरे को बाइनरी ट्री आता है, बाइनरी सर्च ट्री आता है, इस ड्राइवर से ही किया था, बट मेरे को ट्री और ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम होता है भैया, कि कब DFS मारना है, कब BFS मारना है, और फिर भी करते हैं ना, फिर नहीं करता तो फिर भूल जाता हूँ उसका कोड कैसे लिखना होता है, क्योंकि उसका कोड बहुत बड़ा होता है भैया, उसमें हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं उसके लिए भी और पक्का लॉन्च करेंगे बूट कैंप। आप NSUT में हो क्या अभी भैया? हाँ, मैं एनएसयूटी में। आपका लिंक्डइन मिलेगा? हाँ ले लो, यशवत्स, YSHVATS, यशवत्स। ओके भैया। ये कर रखा है क्या डिजिट डीपी और डीपी ऑन बिट मास्किंग वगैरह? हाँ मैंने किया हुआ है, मैंने किया है अभी, शायद इसमें हो सकता ना हो बूट कैंप में। मुझे थोड़ा कंसेप्ट बता देंगे, लाइक अभी ये लोग चले जाएंगे तो मुझे थोड़ा अभी जरूरत तो ज्यादा है अभी। अभी वो ज्यादा हो जाएगा, एकदम से क्लियर नहीं हो पाएगा उसके लिए मुझे अरे कुछ। मुझे नहीं, मैं करा हुआ हूँ, मेरे को मतलब पूछना है, वही चीज पूछना है, बाकी मैं किया हुआ हूँ। लाइक मैंने अभी मेरे को ये बताया था, लाइक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ये रह गया था उसमें, था बाकी करा हुआ हूँ। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इसका तो अच्छा, चलो ये तो क्लियर हो गया ना आपका। ये तो इसको मैं शेयर को ऑफ करता हूँ। भैया आप इसमें डिजिट डीपी वगैरह सब पढ़ा दोगे ना, मतलब बूट कैंप में डिजिट डीपी का ऑलमोस्ट? भी, हाँ मैं डिजिट डीपी का भी लाता हूँ, जो आपने बोला ना। अभी मैं डिजिट डीपी नहीं बताता, अभी आपको मैं ना कंप्लीट इसकी प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। ठीक है, ठीक। ओके भैया। अरे मुझे थोड़ा बता देंगे क्या अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा कल के लिए थोड़ा जरूरत, मान लो ऐसा कुछ, मान लो थोड़ा सा एक इंटरव्यू वगैरह है ना मेरा, तो अच्छा, डी आपका शो का, इंटरव्यू है तो कल? हाँ डी शो का, तो अच्छा, डी शो का इंटरव्यू। आप किस ईयर में हो? अरे मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, मतलब अच्छा, फोर्थ हाँ ईयर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। बाकी आप लीव कर सकते हैं मीट को, जिस जिसको क्लियर हो गया है। ये लोग चले जाएं, मेरे को थोड़ा बता दो। भैया आपका लिंक्डइन पेज क्या है? अच्छा, मैंने इसके लिए एक अलग से किसने पूछा था मुझसे डिजिट डीपी का? अरे मैं ही था, अच्छा, आपका नाम क्या है? गौरव गौरव। गौरव, गौरव, ठीक है। इस मीट को ओवर करते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है, तो इसमें नहीं ओके करेंगे ओके हम, ओके ये शेयर ओके करेंगे, बाकी अलग से मीट रखेंगे। ओके भैया। भैया ऐसे वापस सेशंस होते रहेंगे ना? हाँ, संडे को भी होगा, अभी एक नेक्स्ट संडे भी सेशन होगा। ओके भैया। ओके मैं भैया, वैसे वैसे मैं दिल्ली आऊंगा अभी 26 को, क्योंकि अच्छा, वो नाइस। PM मोदी वगैरह कुछ इनोग्रेशन कर रहा है, टेक्निकल इवेंट, तो यहाँ आए सारी IITs की तरफ से, जिन्होंने जितना इनोवेशन किया है ना उनका, वो प्रेजेंट करने जाना है उनको। आप IIT से हो? हाँ IIT पटना कंप्यूटर साइंस। काफी नाइस, नाइस, इस बार नाइस। तुम लोग की टीम गई थी ICPC में, लाइक महिंदर ICPC करके में शायद, हाँ, वो हमारे लोग सीनियर्स काफी की किए थे, टीम तो गई थी, हमारे सीनियर्स की टीम गई थी। एक IY गया हुआ था काफी। ठीक है, तो इस मीट को मैं ओवर करता हूँ। ओके भैया।
मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे कि भैया दूसरे मीट पे? एक बार आप, हाँ मैं आपको, आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आई एम ग्रुप गौरव, कौन सा है? हाँ जो रुक जाओ, सीनियर का ग्रुप ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है। मेरे पे व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन वो तो एडमिन वाला है बस। मैं एक काम कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड का लिंक भेज दो इस पे, मैं डिस्कॉर्ड पे आप मैसेज मुझे करता लिंक्डइन पे हूँ। मैसेज कर दो यार यशवंत से मेरे, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड, देख 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 रहा हूँ, देख रहा हूँ। भैया आप एक बार मुझे बता सकते हो मुझे क्या क्या करना चाहिए? बेसिकली एक रोडमैप। YESWATH, YASH स्पेस VATS। ओके ओके। भैया आप मुझे बता सकते हो एक बार ऐसी बेसिकली एक रोडमैप सॉर्ट ऑफ मुझे क्या क्या करना चाहिए? रोड मैप मैं आपको बताऊं तो, अभी आपने, आप किस ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हो ना, आप अभी बेसिकली क्या करो, DSA को कंप्लीट कर लो, साइड बाय साइड कोड शेफ कोड फोर्सेस करते हो। कंटेस्ट वगैरह में डीएसए के क्वेश्चन आएंगे? मतलब मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है। DSA से क्या है, बेसिकली आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी, तो DSA तो आपको चाहिए ही साथ में, क्योंकि आपको STL भी तो सीखने हैं ना, आपको ये भी तो पता होना हाँ चाहिए कि हीप कैसे काम कर रहा है, स्टैक कैसे काम कर रहा है, क्यू कैसे काम कर रहा है, तो एक उससे मिनट, मैं आपका अभी पूरा ऑटोमेटिकली दोबारा बताना अपना। YASH स्पेस VATS। अच्छा यश, ओके VATS। और भैया डीएसए वगैरह मैं कौन सी जगह से कर सकता हूँ? मैं तो अभी लव बब्बर से पढ़ रहा था। DSA आप कौन सी जगह से कर सकते हैं? DSA, मैं पेड DSA कोर्स लव भी ले बब्बर सकता से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस सीनियर का भी बैच होगा कोई DSA का। हूँ, पता नहीं, इतना तो सीनियर का नहीं पता। आप एक बार, मैं देख के बताऊंगा आपको, ग्रुप पे मैं ओके मैसेज कर दूंगा। भैया, ओके भैया, ओके, ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट डाल दिया। हाँ, ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। एंड भैया ओके, भैया एक लास्ट डाउट था, मतलब मुझे अभी एक लैपटॉप बाय करना है, तो मुझे कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए? जीपीयू वगैरह का यूज इसका मुझे होता? आइडिया नहीं है, GPU वगैरह का ऐसा कोई यूज नहीं होता, AIML करनी है उसके लिए यूज होगा, बाकी आपको जरूरत नहीं है। ओके भैया, थैंक्स अ लॉट। ओके।